तो यार आज हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे कि ऐसा होता है यार कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं और वो हमें किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करती है। कि शादी में जरूर आना, उस मूवी को एक बार देख लो यार, तो मन करेगा IAS ही बन जाए। तो हैकर वाली, तो आपका मन होगा हैकर में आ जाए, हैकर मतलब हैकिंग ही सीख लें। और मार्क ज़करबर्ग वाली मूवी आई थी, ठीक है, फेसबुक के बारे में, तो आपको मन होगा कि भाई उसकी तरह हम भी अपना ही फेसबुक एक अलग बना लें, अलग लेवल का। तो यार क्वेश्चन दिमाग में आता है, करें तो करें क्या, मतलब कि अगर आप कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपका दिल भी कह रहा है कि हाँ यार ये सच्ची इन्फ्लुएंसिंग और हम ये चीज़ करना चाहते हैं, और होता रियलिटी में क्या है कि कुछ टाइम बाद जब जोश ख़त्म हो जाता है तो प्रॉब्लम्स को देख करके मन नहीं होता वो चीज़ करने का, और हम दूसरी चीज़ में फिर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब यार हम एक बार शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर से वो चीज़ नई सीरीज़ें शुरू करनी पड़ती है और हमें उतना ही टाइम लगता है, और फिर हम नई चीज़ में जम कर जाते हैं। तो ऐसे यार हमारे प्रीशियस गोल्डन जो टाइम होता है एक 12th के बाद से ग्रेजुएशन के ख़त्म होने तक, वो पूरा ख़राब हो जाता है। इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि अपने को क्या करना है यार, कि हमें जिस चीज़ की डिफ़िकल्टी को लेने में मज़ा आ रहा है, मतलब जिस स्ट्रगल में हमें मज़ा आ रहा है, वो चीज़ देखनी है। कि मतलब आपको स्ट्रगल देखना है कि जैसे ये होता ही है कि सपोज प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपने एक चीज़ चुनी कि भाई मुझे प्रोग्रामर बनना है और मुझे प्रोग्रामिंग की फील्ड में ही काम करना है, तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आ रहा है, उसमें स्ट्रगल में आपको एक तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यार अपने को वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें स्ट्रगल में, क्योंकि यार स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बचपन में आप तभी चलना सीखियो जब आपने चलने के लिए स्ट्रगल किया है, ठीक है। हर चीज़ में आपको स्ट्रगल को पसंद करना है, बस आप विनर हो, आप विनर हो अगर आपने स्ट्रगल नामक चीज़ को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है। UPSC के लिए आप जा रहे हो तो वो जो टाइम होगा प्रिपरेशन का, आपको डेस्टिनेशन से मतलब होगा, ओके सबको मतलब होता है, बट उतना नहीं होगा जितना आपको उस टाइम से मतलब होगा जो स्ट्रगल में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मेन चीज़ यही है, सपोज कि आप UPSC बनना चाहते हो, मतलब क्लियर करना है ISER, ठीक है, तो DM साहब बन के तो मज़ा आएगा, भौकाल झाड़ेंगे, बट उस टाइम जो टाइम पीरियड होगा वही रो रो के काटो तो क्या ही फायदा है। अगर यार हमें आगे बढ़ना है, अगर आपको एक स्टेप भी अब आगे बढ़ना है, भले ही आप SSB की तैयारी कर रहे हो, JEE मेंस के लिए जा रहे हो, IIT के लिए जा रहे हो, आप जो है नीट के लिए जा रहे हो, आपको कॉलेज मिल चुका है, आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, जॉब के लिए जा रहे हो, आप कोई भी फील्ड में हो, तो हमें एक काम जरूर करना, हमें बुक्स पढ़नी है, ठीक है। ये काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आदमी क्या करता है सबसे पहले, गूगल। ऐसे ही लाइफ में कोई चीज़ कैसे करनी है ये आपको मोटिवेशन की वीडियोस से तो पता ही चलता है जब टीचर्स लेक्चर देते हैं, और उससे भी ज़्यादा वर्थ इट होता है बुक्स पढ़ना, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया किस तरीके की बुक्स हमें पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत आप ऐसी तरीके की बुक से कर सकते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ऐसी तरीके की बुक्स बहुत ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि इसमें आपको 110% बेस्ट चीज़ मिल रही होती है जो कि टाइम टेस्टेड होती है।